झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने राजधानी रांची के छठ घाटों का निरीक्षण किया, तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि छठ महापर्व पर किसी छठ व्रती को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, तो अर्घ देने के लिए नदी तालाबों की सफाई पूरी हो जाएगी। राजधानी के सबसे बड़े सरोवर स्वामी विवेकानंद सरोवर में चल रहे सफाई अभियान का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ ब्रजेश रॉय ने। तो रांची नगर निगम लगातार उसमें काम करके और जो छठ घाट जिधर जिधर छठ होता है उधर में उसकी व्यवस्था कर रहा है ताकि जलकुंभी निकल जाए, निकालने का भी काम किया है। तो मैं सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा और करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि भाई स्वच्छता रखना हम सबों का दायित्व है ताकि छठ पर्व बेहतर ढंग से हो सके। कचरा यथोचित स्थान पर ही डालें, न कि जहां तहां डालें। झारखंड की राजधानी रांची में ये सबसे बड़ा सरोवर है जिसे बड़ा तालाब कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम स्वामी विवेकानंद सरोवर हो गया है। स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा बीचों बीच लगी हुई है, लेकिन उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि पूरे तालाब में, पूरे सरोवर में जलकुंभी का भरमार है। छठ व्रत सामने में है, छठ व्रती भारी संख्या में यहाँ पर आके अपना अर्घ देते हैं, उदयमान और अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ देते हैं और साथ ही ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे छठ व्रत में जो श्रद्धा है, भक्ति भाव, वो उमड़ता रहे। ये जलकुंभी से पटा पड़ा है और आपको बताना चाहूँगा कि छठ पर्व जब सामने आया है तो नगर निगम की आँखें खुली हैं। आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइए कि कितनी परेशानी हो रही है जलकुंभी निकालने में, जरा इधर हो जाइए। बहुत परेशानी हो रही है और बहुत बार हम लोग निकाल भी चुके हैं लेकिन साफ नहीं होता है। अब तो सामने छठ व्रत है और छठ व्रत के दिन छठ व्रतियों के लिए सरोवर तैयार रहेगा? हाँ, एकदम घाट कंप्लीट रहेगा। छठ महापर्व है हिंदुओं के लिए, इसलिए इस घाट को हम लोग कंप्लीट रखेंगे। छठ महापर्व है, हिंदुओं का बड़ा त्यौहार है, उस दिन सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर पूरे राज्य के तालाबों की बात की जाए, नदियों की बात की जाए, तो लगातार वहां पर गंदगी दिखाई पड़ती रही है। और जब अखबार या मीडिया में ये खबरें आती हैं और लोग, स्थानीय लोग आवाज उठाते हैं, तो प्रशासन और सरकारी व्यवस्था सचेत और सतर्क होती है। फिर युद्ध स्तर पे 2 से 3 दिनों के अंदर में घाट की साफ सफाई का काम किया जाता है। हम भी चाहेंगे कि छठ व्रत से पहले ये सरोवर, जहां लाखों की संख्या में लोग आके छठ व्रती अर्घ देते हैं, भगवान भास्कर को नमन करते हैं, ये छठ व्रत आने से पहले पहले स्वस्थ हो जाए और साफ सुथरा हो जाए, ये हम भी चाहेंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV रांची।